मेरा नाम मोहम्मद मूसा खान, मैं बोस के तुलैल का रहने वाला बाशिंदा हूँ। कल अचानक शाम के 6:30 बजे मुझे बुसगई से फ़ोन आई कि आपके मकान को आग की वारदात आग में लपेट दिया है, तो आपका मकान जो है वो खाकस्तर हो गया। सबसे पहले वहाँ जो मुकामी लोग थे उन्होंने बचाने की कोशिश की, उनसे नहीं बच पाया क्योंकि आप लोगों को मालूम है वहाँ फायर सर्विस का कोई अरेंजमेंट नहीं है, वहाँ फायर सर्विस पहुँच भी नहीं सकती है। एक्चुअली बदकिस्मती से इस साल जो खुशकसाली हुई उससे पानी जो था नलकों में पानी वो भी खुशक हुआ था। तो मैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करता हूँ कि मेरा जो मकान था वो खाकस्तर हो गया, उससे कुछ नहीं निकला। हम बच्चे लेकर वहाँ से ऑलरेडी 6 महीने शिफ्ट करते, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बच्चे को पढ़ाने के लिए पानी पड़ा है। मेरा जो भी सामान था जितना भी था उसी में बंद था, पूरा आगे बंद करके मैं ला करके आया था। तो अचानक मुझे फ़ोन आई वहाँ से, बोला आपका मकान खाकस्तर हो गया है। मैं कहता हूँ क्योंकि इसका जायज़ा टीम, कोई टीम जाए वो जायज़ा ले, उसके बाद कुछ ना कुछ इसका अजाला किया जाए। सर आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे लगभग कितने का नुकसान हो गया आपको? तकरीबन मेरे मकान का रुपये 5-6 लाख का नुकसान हो गया, जिसमें लकड़ी थी, टीन लगा कर था, पूरा अंदर जो भी सामान था मेरा, जो भी मैं उसी में अंदर बिस्तर वहाँ जो सामान था सब कुछ जमा था। 6 महीने के लिए हम 4-5 महीनों के लिए यहाँ आ रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बाकी जो सामान था उसी में बंद था। आखिर बस इंतज़ामिया से मैं यही अपील करता हूँ, हमारी बदकिस्मती है सबसे पहले वहाँ तो फायर सर्विस नहीं पहुँचती है, उसके बाद इस साल खुशकसाली हुई उसमें ये पानी नहीं आया नलकों को, तो एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही अपील करता हूँ कि मुझे उसका मुआवजा दिया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।